2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा इसके लिए तैयारी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में छोटे राजनीतिक दलों ने भी अपनी नैया पार लगाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है। जहां महान दल ने समाजवादी पार्टी गठबंधन को झटका देते हुए लोकसभा चुनाव से पहले उसका साथ छोड़ दिया, तो वहीं उसने बीएसपी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को छोटे दिल का नेता बताते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के साथ जब गठबंधन हुआ तब उन्होंने महान दल के साथ अच्छा नहीं किया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव पर कई आरोप लगाने के साथ ही केशव देव मौर्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय अखिलेश यादव ने 8 सीट देने की बात कही थी, लेकिन सिर्फ 2 सीट दी गई। इसके बावजूद तब हम कुछ नहीं बोले थे। अन्याय बहुत दिन बर्दाश्त नहीं हो सकता है। हम चाहते थे कि सपा के साथ रिश्ता चले, लेकिन अखिलेश यादव छोटे दिल के आदमी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बयानवीर हैं, लेकिन इस सरकार में समाज के साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। न ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कुछ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव पर हमला बोलने के साथ ही महान दल के प्रमुख ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी तंज कसा है और उन्होंने कहा कि हम ऐसे मंत्री नहीं बनाना चाहते जिसे स्टूल पर बैठने को मिले, ऐसे मंत्री से बेहतर फकीर ही ठीक है। वहीं बसपा को समर्थन देने के सवाल पर केशव देव मौर्य ने कहा कि बीएसपी को इसलिए समर्थन किया है ताकि हम दिखा सकें कि महान दल जिसके साथ रहता है वो पहले नंबर पर रहता है। हमारे पास मंत्र है कि किसी भी बेजान वस्तु में जान डाल सकते हैं, यही करके लोगों को दिखाना चाहते हैं। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जहां लिखा है कि महान दल ने ठाना है सपा को जिताना है, उसमें सपा में बस ब शब्द जोड़ना है। ब जोड़ देंगे तो सपा से बसपा हो जाएगा। बसपा को जिताने से महान दल का महत्व बढ़ेगा। जो पार्टी तीसरे नंबर पर थी उसे महान दल दूसरे नंबर पर ले आया और इस तरह सपा तीसरे नंबर पर चली जाएगी। अखिलेश यादव पर हमला बोलने के साथ ही केशव देव मौर्य ने इस दौरान बसपा को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम बहुजन समाज पार्टी को बिना शर्त के समर्थन करेंगे। हमने अपने कार्यकर्ताओं से बोल दिया है कि बसपा का प्रत्याशी चाहे कोई हो उसे जिताओ, सपा का प्रत्याशी भले ही मौर्य जाति का हो उसे हर हाल में हराना है। यह अच्छा होता कि बीएसपी हमसे समझौता करती। हमारा अखिलेश यादव से वैचारिक रूप से मतभेद हो सकता है, लेकिन बसपा से नहीं। इस बार हमारा नारा महान दल ने ठाना है सपा को जिताने है की जगह बीएसपी को जिताना है, ये नारा 2024 तक चलेगा। गौरतलब है 2024 चुनाव को देखते हुए इन दिनों सभी दल नए गठजोड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में महान दल के इस समर्थन से बसपा क्या जवाब देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।